everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Daima. आज हम एक ऐसे इंडियन होम्योपैथिक ड्रग के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट, लाइक इन पर्सपेक्टिव ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन, इन पर्सपेक्टिव ऑफ प्रिस्क्राइबिंग द मेडिसिन एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के लिए आजकल होने वाली बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही कॉमन बीमारी के लिए एक बहुत ही रामबाण जैसा कह सकते हैं, इट्स अ वंडरफुल मेडिसिन फॉर दैट, जिसे हम शुगर किलर के नाम से जानते हैं. वी नो दैट डायबिटीज मेलाइटिस दीज डेज बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है, फैमिलीज में रन करता है. एक फैमिली में कई मेंबर्स को, कम से कम एक मेंबर को डायबिटीज आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है. नाउ मेनी अ टाइम्स होम्योपैथ के पास विजिट करते हैं पेशेंट्स, आते हैं डायबिटीज मेलाइटिस के लिए एंड दे डू आस्क, आपसे ये जरूर पूछते हैं कि क्या ये ठीक हो सकती है, डायबिटीज मेलाइटिस क्या ठीक हो सकती है, अगर जड़ से ठीक हो सकती है तो प्लीज हमें ट्रीटमेंट दीजिए. ना सबसे पहली चीज जो आप पेशेंट को समझाएंगे वो है डायबिटीज मेलाइटिस है क्या, डायबिटीज जो बीमारी है वो कैसे ठीक हो सकती है, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है. तो अलोंग विद द मेडिकेशंस, अगर आप अपने लाइफस्टाइल में सुधार लेकर आते हैं, अगर आप अपने लाइफस्टाइल को, अपनी जीवन शैली को चेंज करते हैं, उसको अच्छा बनाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डाइट प्रॉपर लेते हैं, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेते, नींद अच्छी लेते हैं, तो आप अपने आप आपकी शुगर जो है कंट्रोल रहने लगेगी और जो कॉम्प्लीमेंट्री काम है वो करेगी मेडिसिन. अब होम्योपैथिक मेडिसिन का ये बेनिफिट है कि होम्योपैथी से जो भी मेडिसिन आपको दी जाएगी वो आपको लाइफ लॉन्ग लेने की जरूरत नहीं है, उसके साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है, और वो जनरली क्या करती है, वो सिर्फ आपकी शुगर को कंट्रोल नहीं करती, वो जाकर आपकी पैनक्रियास पर इंसुलिन बनाने वाले हॉर्मोन को जाके इन्फ्लुएंस करती है, डायनेमिक लेवल पर जो करेक्शन करनी होती है उसको करेक्ट करती है, एंड देन यू गेट द रिजल्ट्स कि आपकी कुछ समय में आपकी दवाइयां भी बंद हो गई है और आपको एक नॉर्मल रूटीन लाइफस्टाइल बस चलाना होता है. अगेन अगर आप अपने लाइफस्टाइल को फिर खराब कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, बहुत मीठा खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और ये सब चीजों के चेंजेस लेकर आते हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट बैक द डिजीज, आपको वापस बीमारी होने के चांसेस अपने आप हो जाते हैं. तो देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल कि आपने तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया था, देन व्हाई इट इज कमिंग बैक, क्या ये ढंग से क्योर नहीं हुआ, या फिर मेडिसिन अच्छे से नहीं दी थी, या फिर सप्रेस किया गया था. इट इज नॉट एट ऑल लाइक दैट. द प्रिस्क्रिप्शन वॉज बेस्ट, द होम्योपैथिक मेडिसिन वॉज बेस्ट, बट द थिंग इज दैट यू हैव मॉडिफाइड योर लाइफ स्टाइल इन अ नेगेटिव मैनर, दैट इज वाई योर ग्राफ इज डिक्लाइनिंग एंड दैट इज वाई यू आर गेटिंग द डिजीजेस. तो एक्साइटिंग एंड मेंटेनिंग कॉजेस को अगर आप रिमूव कर देते हैं तो आप अपने आप एक हेल्थ वाली स्टेट पर आ जाते हैं, आप डिस ईज से आप बिल्कुल ईज पर आ जाते हैं. सो दिस वॉज बेसिकली अ क्वेश्चन रिगार्डिंग डायबिटीज मेलाइटिस और रिगार्डिंग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, विच इज मोस्टली आस्क बाय द पेशेंट्स टू द डॉक्टर, क्योंकि ये चीज बहुत कॉमनली होते हैं. दैट इज वाई आई एम गिविंग यू द आंसर कि आपको इस तरीके से पेशेंट को ये चीज क्लियर करनी है और समय समय पर उनका ब्लड शुगर लेवल चेक कराना है. Now coming back to this sugar killer medicine, this is Gymnema Sylvester. Gymnema is sugar killer. इसके अलावा बहुत सारी इंडियन होम्योपैथिक ड्रग इवन है, जैसे कि टॉप थ्री medicines मैंने डाली थी मदर टिंचर्स जो इंडियन होम्योपैथिक ड्रग है, लेकिन उनमें से बाकी दोनों को जो है सिजाइजम जम्बुलानम जो बहुत फ्रीक्वेंटली दी जाती है एंड सेफालोपोडाइन डिका अगेन बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती है, लेकिन दोनों को हम शुगर किलर नहीं कहते, जिम्नेमा को हम शुगर किलर कहते हैं. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट एंड व्हाट इज द नेचुरल ऑर्डर, द कॉमन नेम, फर्स्ट प्रूवर एंड ऑल द क्लिनिकल्स एंड सिम्टम्स एसोसिएटेड विद इट, ये सभी मैं आपसे शेयर करूंगी. सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच इट टिल द एंड. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन, दैट्स वेरी वेरी नेसेसरी. And please do subscribe my channel. So without a further ado, we just move on to Gymnema Sylvester. Gymnema Sylvester जो है इसको हम, इसका एक नाम है जिसे गुरमर कहते हैं. हिंदी में इसका गुरमर टर्म का ही मतलब होता है शुगर डिस्ट्रॉयर, शुगर को नष्ट करने वाला, गुरमर शब्द का ही अर्थ होता है. ये जो प्लांट है, ये प्लांट जनरली एक क्लाइंबर है, ये इसका जो पत्ते होंगे उसका अपर सर्फेस पे बहुत ही फाइन, बहुत स्मूथ हेयर्स जैसे होते हैं और इसके लीव्स में इसके पूरा जो एक्सट्रैक्ट जो लिया जाता है जब हम पोटेंटाइज करके मेडिसिन बनाते हैं, इसके एक्सट्रैक्ट में
सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है. वी डू गेट अ लॉट ऑफ एसिड्स एंड वी डू गेट अ लॉट ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉम्पोजिशन एंड इंग्रेडिएंट, बट द थिंग इज दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द फोकस्ड वन इज जिम्नेमिक एसिड. जिम्नेमा वर्ड से आया है जिम्नेमिक एसिड. जिम्नेमिक एसिड एक मेजर बायो एक्टिव कॉम्पोनेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट है जिम्नेमा सिल्वेस्टर का. वट डज इट डू एक्चुअली? दो काम ये बहुत इम्पोर्टेंट करता है. आपके टंग पे जो मीठे को परखने के, मीठे को टेस्ट करने के जो भी रिसेप्टर्स होते हैं, जो बड्स होते हैं, उनको बेसिकली जिम्नेमिक एसिड उनको सप्रेस करता है. दैट मीन्स उन रिसेप्टर्स की जो मीठे को टेस्ट करने की जो यू कैन से द कैपेबिलिटी है, जो उनकी एक्यूटनेस है, उसको सप्रेस करता है. तो वो कम हो जाने से आपको मीठे की जो एक डिजायर होती है वो थोड़ी कम हो जाती है. आपको मीठे का उतना सिग्निफिकेंट टेस्ट नहीं आता, इसलिए आप जो है मीठा धीरे धीरे कम करने लगते हैं. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जिम्नेमिक एसिड ये काम करता है. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या करता है, ये शुगर को अब्सॉर्ब करता है और इंसुलिन जो हॉर्मोन है, विच इज एक्चुअली द इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, दैट्स एक्चुअली द इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज मिलाइटिस, तो इस इंसुलिन हॉर्मोन का सिक्रीशन बढ़ाता है. तो अगेन आई टोल्ड यू अर्लियर कि इट इज नॉट लाइक दैट इट्स गोइंग टू मूव एंड इट्स गोइंग टू ड्रैग योर शुगर इन टू अ नॉर्मल लिमिट्स एंड वेन यू आर गोइंग टू जस्ट स्टॉप द मेडिसिन, विदड्रॉ द मेडिसिन, इट्स अगेन गोइंग टू शूट. इट इज नॉट लाइक दैट. सो जिम्नेमिक एसिड जो है वो टारगेट करता है इफेक्टिवली आपके ऑर्गन्स को, टारगेट करता है पैनक्रियास पर, इंसुलिन सिक्रीशन पर, शुगर एब्जॉर्प्शन पर, और डायनेमिक लेवल पर जाकर काम करता है, जिससे कि ना कि सिर्फ आपका वो बॉर्डर लाइन में आ जाएगा, जबकि आपको जो शुगर है वो आपका क्योर हो जाएगा. अब हम बात करते हैं इसके कॉमन नेम्स के बारे में. कॉमन नेम इसका एक है कावली एंड एक है मिशास्त्रेंगा. इनके जो प्रूवर है, फर्स्ट प्रूवर, उनका नाम है लेट आर एन चोपड़ा. ये फैमिली को बिलोंग करती है एस्केलेपिडिएसी फैमिली. और एक और इसका नाम जो हम जानते हैं वो है गुरमत. तो जिम्नेमा सिल्वेस्टर की ये सारी कुछ डिटेल्स है. इसके बाद हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल के बारे में. जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, डायबिटीज मेलाइटिस में बहुत अच्छा काम करती है. अदर देन दिस, ये पॉइजनस स्नेक बाइट्स में बहुत अच्छा काम करती है. पॉइजनस स्नेक बाइट्स का बहुत ज्यादा डिटेलिंग आपकी टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलेगा कि किस तरह से कौन से स्नेक्स पे इफेक्टिव है या इसका क्या सिम्टम है आफ्टर स्नेक बाइट्स, कोई बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं है. ज्यादातर सारे सिम्टम्स जो है डायबिटीज मेलाइटिस से रिलेटेड है. डायबिटीज मेलाइटिस की बात करें तो जो हमें कॉमन थ्री सिम्टम्स मिलते हैं, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीयूरिया, वो आपको यहाँ देखने मिलते हैं. जिम्नेमा सिल्वेस्टर में बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज यूरिनेशन होता है, पेशेंट को बहुत यूरिन आता है, एंड पेशेंट हमेशा ये कहता है कि यूरिन पास करने के बाद उन्हें बहुत कमजोरी, बहुत वीकनेस फील होती है. दैट्स एक्चुअली अ वेरी की नोट एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नेमा सिल्वेस्टर. तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि पेशेंट का यूरिन जो है वो आपको टेस्ट कराना है, क्योंकि सिर्फ ब्लड शुगर टेस्ट कराना ही जरूरी नहीं है डायबिटीज के लिए. यूरिन टेस्ट होना जरूरी है, जिसमें कि क्या क्या आ सकता है रिपोर्ट में. स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है पेशेंट की आपको हाई मिलेगी, क्वांटिटी यूरिन की आपको बढ़ी हुई मिलेगी जब आपको जिम्नेमा प्रेस्क्राइब करना है. क्वांटिटी कॉपियस होगी, जो आपका जो यूरिन का कलर मेंशन होगा वो व्हाइट होगा, येलोइश नहीं होगा, पेल नहीं होगा, व्हाइट कलर होगा. और यूरिन की इस रिपोर्ट के बाद अगेन आपने चेक करना है कि शुगर इट इज लोडेड विथ शुगर. जिम्नेमा प्रेस्क्राइब करने के लिए यूरिन में बहुत ज्यादा शुगर का क्वांटिटी होता है, जिसे वो बहुत ही इफेक्टिवली रिकवर कर जाती है अगर आप कुछ देर तक जिम्नेमा सिल्वेस्टर लेते हैं तो. बर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो हमें डायबिटीज के पेशेंट्स में देखने मिलता है. प्रोग्रेसिवली उनके सोल में, उनके पैरों के तलवे जो होते हैं उनमें जलन होने लग जाती है, उनके बॉडी पर जलन होने लग जाती है, उनके हाथों में जलन रहने लगती है, या फिर कई बार पेशेंट को छोटे छोटे घमौरियों जैसे रैशेज हो जाते हैं जिनमें बहुत ज्यादा जलन होती है. पेशेंट को डायबिटीज जब होता है तो कई बार उनकी हीलिंग बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, जिससे कि अगर उन्हें कोई वूंड हुआ या उन्हें कोई बॉइल हुआ जिसके अंदर पस बहुत जल्दी बन जाएगी और उनकी हीलिंग बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है. जिम्नेमा ऐसे सभी केसेस में बहुत अच्छा काम करती है. जो डायबिटिक कार्बंकल हुए, बॉइल हुए बड़े बड़े, उनमें बहुत अच्छा काम करती है. नाउ प्रोग्रेसिवली हम एक और चीज देखते हैं जो डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट में आपको देखने मिलती है, जैसे कि ग्रेजुअली वो डिसीज बढ़ती जाती है, वो है सेक्सुअल पावर का रिड्यूस हो जाना. वीकनेस इतनी ज्यादा बॉडी में रहने लगती है कि सेक्सुअल पावर बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है. बीट अ मेल, बीट अ फीमेल, सेक्सुअल पावर, सेक्सुअल डिजायर दोनों डिमिनिश हो जाएगी. तो जिम्नेमा बहुत अच्छा काम करती है.
Now, what is the potency of choice? आप इसकी potency mother tongue से ले सकते हैं, आप इसे 6x, 3x potency में भी ले सकते हैं. 6x potency बहुत अच्छा काम करती है. And mother tongue effectively works. मिलना कैसे है? Thrice और 4 times daily, आधा कप normal पानी के अंदर 10 से 15 बूंदे आपको Gymnema sylvestre के डालने हैं. And this actually depends कि कितना blood sugar है, कितना urine में sugar है. इसके बेसिस पर आप ड्रॉप्स को, इसके बेसिस पर आप कितने टाइम दे रहे हैं मेडिसिन को, ये आप मॉड्यूलेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. सो यू कैन चेंज दैट डिपेंडिंग कि क्या डिजीज का स्टेज है. आप इसे दिन में 4 बार या दिन में 3 बार दे सकते हैं, आधे कप पानी में 15 या 10 बूंदे डालकर. एंड फिर आपको रेगुलरली चेकअप्स कराने हैं, जिससे कि आपको पता चलता है जिम्नेमा किस तरह से काम कर रही है और कितनी इफेक्टिवली आपकी शुगर को ये आपकी बॉडी से खत्म कर देती है. एंड मेक श्योर कि आप लाइफस्टाइल अपना अच्छा रख रहे हैं, सिर्फ मेडिसिन के भरोसे नहीं है. अगर आप लाइफस्टाइल में वही सब है और आप मेडिसिन ले रहे हैं, दैट मींस एक्साइटिंग एंड मेंटेनिंग फैक्टर वहीं पर है और आप सिर्फ मेडिसिन ले रहे हैं, वो ऑब्स्टिकल की तरह काम करेगा एंड यू विल नॉट गेट द रिजल्ट्स. दैट्स एक्चुअली नॉट द ड्रॉबैक ऑफ होम्योपैथी, दैट्स एक्चुअली अ ड्रॉबैक ऑफ योर लाइफस्टाइल. तो आपको उसे चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है. विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपके लिए यूजफुल है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू फील इट्स गुड, इट्स हेल्पिंग यू आउट. एंड डू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन. स्टे कनेक्टेड विद होम्योपैथी. आई एम गोना कम विद अ लॉट मोर इंटरेस्टिंग एंड वेरी नॉलेजेबल वीडियोज एंड द कंटेंट इज गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग फॉर यू गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड वेरी पेशेंटली. स्टे ट्यून्ड एंड stay connected with homeopathy. Bye.